नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की बात। मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। सब्जी और फलों पर 1% मार्केट फीस और 1% HRDF के विरोध में सब्जी मंडी में आढ़ती एसोसिएशन शनिवार से हड़ताल पर थे। दरअसल हरियाणा सरकार द्वारा सब्जी मंडी आढ़तियों पर लगाए गए टैक्स और एक साल की एडवांस मार्केट फीस के विरोध में पूरे फरीदाबाद की सब्जी मंडियां अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते बंद थी। एसोसिएशन के आह्वान पर आढ़ती हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन उनकी मांगे प्रशासन ने मान ली है, जिसके बाद हड़ताल को खत्म कर दिया है, जिसके बाद सब्जी मंडी की दुकानों को खोल दिया गया है। प्रशासन ने आढ़तियों की मांग को 15 फरवरी को पारित करने की बात कही है। सुनिए इस मामले में आढ़ती एसोसिएशन के पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना। आज जो हमारा काफी देर यहाँ पर चर्चा हुई फीस के बारे में, तो एक जो अपने सभी आढ़ती भाइयों की सहमति बनी थी 0.5% HRDF और 0.5% मार्केट फीस पे, तो ये स्लैब हमने लिख के दिया था, उस पे लगभग सहमति हो चुकी है, लेकिन किसी कारणवश खट्टर साहब हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं आ पाए और आश्वासन दिया है कि जो आपने लिख के दिया 15 तारीख तक उसको पारित कर दिया जाएगा और आप अपनी मंडियां पूर्ण रूप से खोलो। धन्यवाद। जैसा कि आपको मालूम है, सब सब्जी मंडी वाले भाइयों को तकरीबन 3 साल से हमारा ही संघर्ष चला आ रहा है मार्केट फीस के और HRDF के चक्कर के अंदर। जैसे 2% लगाते थे, अब सरकार ने फैसला कर लिया है, 15 तारीख तक लास्ट डेट रखी है 1% के ऊपर फैसला हमारा। टोटल सरकार से 1% हम मार्केट फीस दिया करेंगे, जिसमें HRDF 50 पैसे मार्केट फीस। तो ये सब भाइयों को मंजूर है और अपनी अपनी दुकानें खोल दी जाए। तो जैसा कि आपने सुना कि प्रशासन ने आढ़तियों की मांगे तो मान ली है। सीएम मनोहर लाल खट्टर आढ़तियों से मुलाकात करने वाले थे, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ पाए, लेकिन सीएम को आढ़तियों का ज्ञापन मिल चुका है और 15 फरवरी को इसे पारित कर दिया जाएगा। आपको बता दें, आढ़तियों का कहना था कि सरकार को अपनी घोषणा के अनुसार सब्जी और फलों पर से मार्केट फीस और HRDF को तुरंत प्रभाव से हटाना चाहिए, ताकि किसान, आढ़ती और आम जनता को राहत मिल सके।